हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बेटा, जैसे हम लास्ट लेक्चर में कर रहे थे चोमिस्की क्लासिफिकेशन, और मैंने इसकी तीन डिफरेंट टाइप के ऑफ लैंग्वेज, टाइप जीरो, टाइप वन, टाइप टू और टाइप थ्री को डिस्क्राइब किया था। अगर बेटा आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा तो पहले प्रीवियस लेक्चर देखो, तभी तुम ये करंट लेक्चर जो है उसको अंडरस्टैंड कर पाओगे। इन दिस लेक्चर हम लोग ये जो टाइप जीरो, टाइप वन एंड टाइप टू है, टाइप थ्री है, इनको थोड़ी डिटेल में बेटा इनके बारे में ना पढ़ेंगे। क्लियर? तो रजे, सबसे पहले हम बात करेंगे दैट इज आवर टाइप जीरो लैंग्वेज। बेटा टाइप जीरो जो लैंग्वेज है, टाइप जीरो लैंग्वेज को बेटा मैंने पहले भी बताया था, आपको फिर से बता रही हूं। दिस इज द अनरिस्ट्रिक्टेड लैंग्वेज या अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रामर। अगर बेटा टाइप जीरो लैंग्वेज है तो उसके लिए जो प्रोडक्शन रूल्स होंगे, दीज आर नोन एज अ टाइप जीरो ग्रामर। क्लियर? तो ये हमारी क्या होती है बेटा, दिस इज टोटली अनरिस्ट्रिक्टेड। अनरिस्ट्रिक्टेड मीन्स, अनरिस्ट्रिक्टेड का मतलब है बेटा इसके ऊपर कोई भी रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो परफॉर्म नहीं होंगी। कोई भी ऐसी ग्रामर जो इसके ऊपर कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज अ टाइप जीरो ग्रामर। एंड द लैंग्वेज जनरेटेड बाय दिस लैंग्वेज, दिस ग्रामर इज नोन एज अ टाइप जीरो ग्रामर। बेटा मैंने पहले भी बताया था कि टाइप जीरो जो दिस आल्सो नोन एज अ रिकर्सिव एनुमेरेटेड एंड रिकर्सिव लैंग्वेज भी बोलते हैं। इससे जो हमारी ऑटोमेशन मशीन बनती है वो कौन सी होती है, ट्यूरिंग मशीन। बेटा टाइप जीरो में हम लोग कैसे प्रोडक्शन किस फॉर्म में आती हैं, टाइप जीरो में बेटा जो हमारी प्रोडक्शन आती है दैट इज ऑफ द फॉर्म ऑफ phi a chi approaches to phi alpha chi. What is the meaning of this? In this case a variable को बेटा हम क्या करते हैं, रिप्लेस करते हैं with another variable that is alpha, और जो लेफ्ट हैंड साइड ऑफ प्रोडक्शन है और जो राइट हैंड साइड ऑफ दिस रूल है, दीज आर सेम। जो हमारा लेफ्ट कॉन्टेक्स्ट है और जो राइट कॉन्टेक्स्ट है, दिस इज नोन एज अ राइट कॉन्टेक्स्ट, दिस इज नोन एज अ राइट कॉन्टेक्स्ट एंड दिस इज नोन एज अ लेफ्ट कॉन्टेक्स्ट। बेटा जो लेफ्ट कॉन्टेक्स्ट है और जो राइट कॉन्टेक्स्ट है वो हमेशा सेम होएगा, बट इसमें क्या होगा, जो ए वेरिएबल है उसको हम इंटरचेंज कर रहे हैं फाई के साथ। क्लियर बेटा, समझ आई? फॉर एग्जाम्पल मैं देती हूँ, फॉर एग्जाम्पल लेट अस टेक एन एग्जाम्पल। यहां पे मैं ले रही हूं ए बी बी एंड लेट अस सपोज हियर इज बी सी ई, और बेटा मैं इसको रिप्लेस कर रही हूं। जब मैं रिप्लेसमेंट कर रही हूं तो हियर इज ए बी डी ई बी सी ई। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? In this case, this is known as your left context, and beta, this is known as a right context. Left or right context दोनों का same होगा, और यहां पर this B behave like a A and this D E behave like a alpha. Hope you understand what is the meaning of this and how we replace the this a with this alpha. This is known as a type zero grammar. Clear, Ajay? Any doubt? Now about the type one. Beta, type one that is also known as a context sensitive language. और जो ग्रामर, जो प्रोडक्शन सेट ऑफ रूल्स जो यूज किए जाएंगे कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज के लिए, दीज आर नोन एज अ कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर। दीज आर नोन एज अ कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर। क्लियर बेटा? इन केस ऑफ द कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर, थोड़ी सी जो इसके ऊपर अगर हम रिस्ट्रिक्शन लगा देंगे, जो करंट हमारे रूल्स हैं उन पे जब रिस्ट्रिक्शंस लग जाएंगी, कैसी रिस्ट्रिक्शन, कि हमने रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि जो हमारा अल्फा है वो कभी भी नल नहीं हो सकता, सच टाइप ऑफ रिस्ट्रिक्शंस अगर हम परफॉर्म कर रहे हैं, अगर इस टाइप की प्रोडक्शन पे हम कौन सी प्रोडक्शन ले रहे हैं, सेम कौन सी प्रोडक्शन ले रहे हैं, फाई
ए काय एंड हियर इज फाय अल्फा काय. लेकिन यहाँ पे हम एक रिस्ट्रिक्शन परफॉर्म कर रहे हैं कि जो हमारा अल्फा है वो कभी भी नल नहीं हो सकता. दिस मीन्स प्रोडक्शन ऑफ जो ए है प्रोडक्शन ऑफ ए इज नॉट परमिटेड. मतलब इरेज ऑफ प्रोडक्शन इरेजिंग ऑफ ए इज नॉट परमिटेड. तो बेटा थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन परफॉर्म कर दी अगर हमने इस पे टाइप जीरो पे, तो दिस इज नोन एज अ टाइप वन लैंग्वेज. एंड अगेन आई टेल यू द ऑटोमेटा जनरेटेड बाय दिस टाइप वन इज नोन एज अ लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा. बेटा इसकी अगर हम एग्जांपल लें, सेम एग्जांपल ले लो. लेट अस टेक एन एग्जांपल इन विच ए बी 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 सी ई अप्रोचेस टू दैट इज ए बी डी ई बी सी ए बट विद वन रिस्ट्रिक्शन दैट इज डी ई दैट इज आवर अल्फा ना डी इज नॉट इक्वल्स टू नल. अगर ये हम रिस्ट्रिक्शन परफॉर्म कर रहे हैं तो दिस मीन्स दिस इज नोन एज अ टाइप वन लैंग्वेज और आल्सो नोन एज अ टाइप वन ग्रामर आल्सो नोन एज अ कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज एंड द रूल्स सेट ऑफ प्रोडक्शन जो आएंगे बेटा इसके बेस पे दीज आर नोन एज अ कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर. क्लियर बेटा. नाउ द नेक्स्ट वन इज द नेक्स्ट टाइप इज योर टाइप टू. इन केस ऑफ द टाइप टू लैंग्वेज आल्सो नोन एज अ टाइप टू लैंग्वेज आल्सो नोन एज द कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज. एंड बेटा द सेट ऑफ प्रोडक्शन रूल्स फॉर द कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज इज नोन एज अ कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर. और बेटा जो ऑटोमेटा जनरेट होता है विद द हेल्प ऑफ कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज दैट इज नोन एज अ पुश डाउन ऑटोमेटा. बेटा अब जो टाइप टू प्रोडक्शन है, टाइप टू प्रोडक्शन कौन सी प्रोडक्शन होती है जिसमें हमारी प्रोडक्शन किस फॉर्म में होगी? इन द फॉर्म ऑफ ए अप्रोचेस टू अल्फा. यहाँ पे जो हमारा ए है, ए क्या चीज है हमारी, ए है दीज आर नोन एज अ सेट ऑफ वेरिएबल्स. एंड व्हाट अबाउट दिस अल्फा, अल्फा कैन बी अ वेरिएबल और कैन बी अ टर्मिनल. दिस मीन्स मे बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ योर वेरिएबल एज वेल एज द टर्मिनल. क्लियर बेटा, समझ आई? इसका मतलब क्या है कि कोई भी हमारा जो है लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड कोई भी कॉन्टेक्स्ट इसमें नहीं होता. इसमें सीधा ही होता है कि वेरिएबल जो है दैट अप्रोचेस टू यूअर मे बी ओनली अ वेरिएबल मे बी अ सेट ऑफ वेरिएबल और द टर्मिनल्स. फॉर एग्जाम्पल वी टेक एग्जाम्पल ऑफ दिस इज लाइक एस अप्रोचेस टू ए ए. अनदर एग्जाम्पल इज बी अप्रोचेस टू स्मॉल ए बी. अनदर एग्जाम्पल इज ई अप्रोचेस टू मे बी ई अप्रोचेस टू नल. दिस मे बी ई अप्रोचेस टू हियर इज आल्सो एस अप्रोचेस टू ई. मे बी दीज आर द प्रोडक्शन. दिस मीन्स की राइट हैंड जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड बेटा इसको प्रोडक्शन बोलते हैं ना, जो लेफ्ट हैंड साइड ऑफ प्रोडक्शन है वो हमेशा वेरिएबल होगा और जो राइट हैंड साइड ऑफ प्रोडक्शन है दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एज वेल एज द कॉम्बिनेशन ऑफ द टर्मिनल. मे बी ओनली वेरिएबल मे बी ओनली टर्मिनल मे बी द कॉम्बिनेशन. दिस इज नोन एज अ क्लोजर फॉर्म. क्लियर बेटा. नाउ द नेक्स्ट टाइप इज दैट इज नोन एज यूर टाइप थ्री लैंग्वेज आल्सो नोन एज अ रेगुलर लैंग्वेज. बेटा टाइप थ्री और रेगुलर लैंग्वेज जो सेट ऑफ रूल्स इसको डिफाइन करेंगे उसको क्या बोलेंगे बेटा, जो ग्रामर होगी उसको बोलेंगे रेगुलर ग्रामर या टाइप थ्री ग्रामर. इसमें क्या है, ये सबसे ज्यादा हमारी रिस्ट्रिक्टेड जो है वो ग्रामर मानी जाती है बेटा.
एंड जो ऑटोमेटा जनरेट होता है विद द हेल्प ऑफ टाइप थ्री दैट इज नोन एज अ फाइनाइट ऑटोमेटा। बेटा ये चीज मैं पहले ही डिस्कस कर चुकी हूँ प्रीवियस लेक्चर में, इसको ध्यान से देखना ठीक है। कहते कि टाइप थ्री में क्या है बेटा, प्रोडक्शन जैसे लाइक एस अप्रोचेस टू नल, ये नल प्रोडक्शन जो है वो अलाउ हम कर सकते हैं टाइप थ्री लैंग्वेज में, बट जो एस है वो किसी भी प्रोडक्शन में राइट हैंड साइड पे नहीं आना चाहिए। फिर से बता रही हूँ, अ प्रोडक्शन एस अप्रोचेस टू नल इज अलाउड, ये अलाउ है, अलाउड है इन केस ऑफ द टाइप थ्री लैंग्वेज, पर एक कंडीशन भी है कि एस जो है डज नॉट अपियर एट द राइट हैंड साइड ऑफ एनी प्रोडक्शन, दिस इज द रिस्ट्रिक्शन दैट इज परफॉर्म्ड ऑन टाइप थ्री लैंग्वेज। क्लियर बेटा? और इसमें कैसे है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करती हूँ इसकी एग्जाम्पल की टाइप थ्री की, तो दिस अप्रोचेस टू, टेक एग्जाम्पल, हियर एग्जाम्पल इज एस अप्रोचेस टू नल, एस अप्रोचेस टू, लेट अस टेक एन एग्जाम्पल, एस अप्रोचेस टू ए बी, एस अप्रोचेस टू नल, ए अप्रोचेस टू स्मॉल ए कैपिटल बी, बी अप्रोचेस टू ओनली स्मॉल बी, सच टाइप ऑफ प्रोडक्शन इज नोन एज अ टाइप थ्री ग्रामर। बेटा फिर से बता रही हूँ, एस अप्रोचेस टू नल तब आ सकता है अगर कहीं भी राइट हैंड। होप यू अंडरस्टैंड द लेक्चर बेटा, थैंक यू, कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, थैंक यू सो मच बेटा।